रायबरेली से खबर आ रही है कि दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद हरकत में आई यूपी सरकार के निर्देश पर रायबरेली जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आया। डीएम हर्षिता माथुर ने मामले की गंभीरता को रखते हुए प्राधिकरण एवं मजिस्ट्रेट की टीमें बनाकर बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की जांच की जा रही। रायबरेली द्वारा आज सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को कई कोचिंग सेंटर बंद मिले, जहां से टीम बैरिंग लौट आई। और बता दें कि छापेमारी के दौरान एक लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित मिली, जिस पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। कोचिंग और ये सब संस्थान चल रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए शासन द्वारा निर्देश दिए गए, तो क्या चल रहा है अभी तक जिला प्रशासन? देखिए, ये निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं और इसके क्रम में पूरे समस्त जनपद में विकास प्राधिकरण के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे लोकल एसडीएम के माध्यम से इन सभी चीज़ों को चेक कराया जा रहा है कि जहाँ पर भी जो बेसमेंट बने हुए हैं उनका उपयोग वास्तविक रूप में सही जो मानदंड है उनके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जहाँ उसके विपरीत हो रहा है वहाँ पर हम लोग कठोर कार्रवाई करें। उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण दोनों के माध्यम से जाँच दल गठित करके इस पर कार्रवाई शुरू करें।